इस मॉड्यूल में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा के एक्सोस्केलेटन और उसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे एक्सोस्केलेटन के अंदर टू इंपॉर्टेंट लेयर्स हैं एक ऊपर वाली लेयर और एक नीचे वाली लेयर जो ऊपर वाली लेयर है इसको हम कहेंगे एपिक्यूटिकल। ये एपिक्यूटिकल जो है दिस इज नॉर्मली मेड अप ऑफ वैक्सी लिपोप्रोटीन एंड इट इज़ इम्परमीएबल टू वाटर कि ये वाटर जो है उसको अवेपोरेशन के लिए या गुजरने के लिए यूज़ नहीं होगी इसके अलावा ये जो क्यूटिकल है दिस इज़ आल्सो आ बैरियर टू द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि बॉडी में एंटर होंगे एज वेल एज़ टू पेस्टिसाइड्स जो कि उस एटमॉस्फेयर में स्प्रे किए जाएंगे अब एक्सोस जो बल्क है एक्सोस्केलेटन का उसके नीचे है एपिक्यूटिकल और उसको हम कहेंगे एपीक्यूटिकल के नीचे है प्रोक्यूटिकल क्रस्टेशियंस के अंदर प्रोक्यूटिकल जो है दिस इज़ आल्सो कॉल्ड एंडोक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल दिस इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मटीरियल और उन मटीरियल्स में सबसे कॉमन जो है वो है काइटन काइटन जो है दिस इज़ यूजली टफ स्ट्रक्चर लैदरी पोलिसक्चराइड से मिलकर बना होगा और इसके अंदर सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स जो हैं वो मौजूद फिर प्रोक्यूटिकल नॉर्मली स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होता जाएगा एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम कहेंगे सिक्लोटाइजेसन और इसमें सम टाइम्स जो है सिक्लोटाइजेसन के साथ इम्पेग्रेशन होगी एक मटेरियल की वो मटेरियल कौन सा है वो मटेरियल है कैल्शियम कार्बोनेट अब सिक्लीरिटाइजेशन जो है दिस इज़ आ टनिंग प्रोसेस जिसमें प्रोटीन की मुख्तलफ लेयर्स जो हैं दे आर इंटरनली लिंक्ड विद थ्रू आ करॉस टाइप ऑफ बैरियर अब इस बैरियर से क्या होगा जितनी ज़्यादा ये इंटरलिंकिंग होगी उतनी ही एक्सोस्केलेटन हार्ड होंगे और उसके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो डार्क होगा इंसेक्ट्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स के अंदर इस बॉन्डिंग की वजह से जो आउटर पोर्शन है प्रोक्यूटिकल का वो भी हमें ज़्यादा एविडेंट नज़र आएगा अब एक्सोस्केलेटन क्रस्टेशियंस का आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होगा थ्रू अ प्रोसेस विच इज स्टोर एज सिक्लेरिटाइजेशन। और इसके अंदर हार्ड होने के साथ साथ कैल्शियम कार्बोनेट की भी डेपोजिशन होगी और वो जो है डेपोजिशन दैट इज़ मोर इन दिडल रीजन ऑफ द प्रोक्यूटिकल कुछ प्रोटीन्स जो हैं जब उनकी डिपोजिशन होगी तो वो एक्सोस्केलेटन को एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स देंगी जिसको हम कहते हैं रेजिलेंसी। अब डिस्टोर्शन जो है एक्सोस्केलेटन की नॉर्मली यूजुअली एनर्जी जो के मौजूद है दैट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ फॉर एग्जांपल जब इंसेक्ट्स फ्लाई करेंगे फ्लैपिंग ऑफ बिंग्स जंपिंग ऑफ बिंग्स उस कंडीशन में इसकी एनर्जी जो कि यूटिलाइज होगी वो इसके स्केलेटन को कुछ डीशेप करने में या डिस्टॉर्शन करने में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी अब जो इनर पोर्शन है एक्सो क्यूटिकल का वो नॉर्मली सॉफ्ट है इतना ज़्यादा हार्ड जो है या वहाँ पर मटेरियल्स की डेपोजिशन का प्रोसेस जो है वो स्लो है यहाँ पे आप देखें डायग्राम में एक्सोस्केलेटन यानी और इसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो प्रोक्यूटिकल और एंडोक्यूटिकल प्रोक्यूटिकल के अंदर इसकी टू लेयर्स हैं एपिक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल एंडोक्यूटिकल यहाँ पर इसकी लेयर्स में आ जाता है प्रिंसिपल लेयर मेम्ब्रेनियस लेयर और एपिडर्मस स्ट्रक्चरली अगर हम देखें सबसे बाहर जो लेयर है एपिडर्मस एपिडर्मस के साथ ही दिस इज़ बेसमेंट मेम्ब्रेन यहाँ से जो स्ट्रक्चर अराइज कर रहे हैं वो हैं ओपनिंग ऑफ टैगमोटल ग्लैंड्स या टैगोमेंटल ग्लैंड जो हैं दे नॉर्मली प्रोड्यूस सिक्रीशंस और इन सिक्रीशंस की वजह से जो टैगमन है वो सिक्रीट होगा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा हार्डन होगा यहाँ से जो स्ट्रक्चर अरइज़ कर रहे हैं सीटे सीटें आपको मैंने बताया था दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर सेंसरी इन नेचर ये बाहर से सेंसरी परसेप्शन को रिसीव करेंगे तो ये क्रैब के अंदर एक टिपिकल जो कि क्रस्टेशियन है आर्थ्रोपोड है उसकी एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन को डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन किया गया है